एप्पल ईयरपॉड्स, ये आते हैं वायर्ड ईयरफोन्स एप्पल की तरफ से। अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आज के जमाने में इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी बाय। तो जैसे मैंने बताया था, आज हम एप्पल ईयरपॉड्स के बारे में बात करें, क्या इन्हें 2024 में या आप कह सकते हैं 2025 में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 25 भी आ चुका है। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं 2021 में 2022 में क्या कि ये वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं, लेकिन अब जैसे 2024 आ चुका है तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है टेक इंडस्ट्री में, काफी तरह के ईयरफोन्स आ चुके हैं, तो क्या इन्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं क्या इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो यस आप इसे खरीद सकते हो और मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव एक्सेसरी है आपके आईफोन के लिए। अब कुछ लोग यार ऐसा क्यों कह रहा है, इतना क्या खास है इसके अंदर, तो देखिए ये मेरे पास हमेशा से हैं। अभी जो मैं ले रहा हूँ USB-C वाला ले रहा हूँ क्योंकि मैं iPhone 15 यूज कर रहा हूँ। मेरे पास 3.5mm जैक वाले भी हैं और लाइटनिंग पोर्ट वाले भी हैं, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ वायर्ड ईयरफोन्स है जो इस समय खरीद सकते हो। और इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी भी यूनिक बनाते हैं, क्योंकि कहने को तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स आ चुके हैं, लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन्स अगर आप देखोगे जो अच्छी क्वालिटी है वो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। साथ साथ जो मुझे उनके साथ इशू लगता है वो है चार्जिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने ईयरफोन्स चार्ज करना भूल जाता हूँ, और वायर्ड ईयरफोन्स के साथ हमेशा ये फैसिलिटी तो रहती है कि आपको चार्ज नहीं करने पड़ते। साथ ही साथ जो इसका ऑडियो आउटपुट है वो काफी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। जैसे अगर 1.5-2 हज़ार के आते हैं, आप कहेंगे ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी तो आते हैं, उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसमें बेस ज्यादा हो लेकिन साउंड क्वालिटी नहीं, इसके अंदर हैवी बेस नहीं है लेकिन फिर भी इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये लॉसलेस ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो ये काफी गजब की एक्सेसरी है जिसमें आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये था एक क्विक रिव्यू उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और जल्दी से जाना चाहते थे, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है मैं इसकी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहा हूं, तो ये मत समझना ये स्पॉन्सर वीडियो है, ये एक अनस्पॉन्सर वीडियो है। जैसे मैंने बताया मेरे पास 3.5mm जैक वाले भी हैं, लाइटनिंग वाले भी हैं, USB-C वाले भी हैं, तो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव है। तो अगर आपका अभी से खरीदने का मन कर गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लेना, ताकि आपको बेस्ट मिल सके, मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके, क्योंकि ये अनस्पॉन्सर वीडियो है ना। और अगर आपको इस तरह के अनस्पॉन्सर्ड और यूजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं एक अच्छी वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। तो चलिए अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसकी एक अनबॉक्सिंग दिखाइए। तो ये है हमारा बॉक्स, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये अमेजन पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया। और इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये बिल्कुल ही अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैंने खुद के पैसे खरीदा है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं और निकालते हैं हमारे ईयरपॉड्स। तो बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और आप देख सकते हैं कि काफी छोटा सा पैकेज है। सामने स्टिकर लगा हुआ है एक बारकोड का फ्लिपकार्ट की तरफ से, साथ ही साथ आप पीछे देखोगे तो एप्पल की सील के साथ साथ इन्होंने एक अपनी सील भी लगा रखी है फ्लिपकार्ट वालों ने। तो ये चीज को तो मैं दाद देना चाहूंगा कि हमेशा से एप्पल की जो पैकेजिंग है मुझे अच्छी लगती है, कि थोड़े से मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है कि आपने जितना पैसा खर्चा है उतने का प्रोडक्ट है ये। तो चलिए इसके ऊपर भी वो टैप टू ओपन वाला फीचर है जैसे आईफोन के ऊपर आता है, बिना प्लास्टिक के यूज किए हुए सील लगाना। और चलिए इसे ओपन करके अब बाहर निकालते हैं ईयरपॉड्स। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपको एक फ्लिप मिलेगा जिसे खींचकर आपको अपने ईयरपॉड्स बाहर निकाल लेने हैं। और आप देख सकते हैं पहले यही चीज बिल्कुल एप्पल बॉक्स के अंदर मिलती थी, जब ये ईयरफोन्स नहीं बंद हुए थे तो एप्पल अपने डब्बे के अंदर इन्हें देता था। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई एप्पल स्टिकर वीकर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ईयरपॉड्स का डिजाइन मुझे सबसे गजब का लगता है, क्योंकि ये ईयरपॉड्स ही फर्स्ट ईयरफोन्स थे जो इस अच्छे डिजाइन के साथ आने लगे थे, और ये ईयर्स के अंदर बिल्कुल कंफर्ट फिट होते हैं। और ये मैंने USB-C ऑर्डर किए हैं, मेरे पास लाइटनिंग और 3.5mm जैक वाला तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन मुझे एक USB-C चाहिए था, क्योंकि मेरे पास आईफोन 15 है और मेरा आईपैड प्रो है, उन सब में USB-C है, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किए। तो ओवरऑल काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी, बहुत प्रीमियम लगेगा आप फर्स्ट टाइम इसे हाथ में लोगे। तो चलिए अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है वो वायर्ड हेडसेट। अब मेरे हिसाब से जैसे मैं शुरुआत में इसे तारीफ कर रहा हूँ कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो अब शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है इसकी साउंड क्वालिटी। अब इसकी साउंड क्वालिटी काफी गजब की है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको हैवी बेस देखने को मिलेगा, अगर आप बेस लवर हैं तो इसे दूर ही रहे, लेकिन सबसे पहली चीज इसके अंदर अच्छी है कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इसकी साउंड क्वालिटी अगर थोड़ा बहुत आइडिया देखना चाहते हैं तो जो इनके एयरपॉड्स आते हैं उसके नियर अबाउट है, और इसके साउंड बिल्कुल सूदिंग साउंड लगते हैं मुझे, ना हैवी बेस है, सब कुछ वोकल्स वगैरह सब कुछ बहुत क्लियर आते हैं, और बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसे पहन सकते हो, क्योंकि जिनके अंदर ज्यादा बेस होते हैं मुझे इसके साथ दिक्कत ये होती है कि कुछ टाइम सुनने के बाद आपको उन्हें सुनने का मन नहीं करता। तो उसकी साउंड क्वालिटी
बहुत बढ़िया है और इस प्राइस रेंज में वायर्ड हेडसेट में मुझे तो इसी की पसंद है। बाकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको किसी अच्छे ब्रांड के पता होंगे तो वो कमेंट में जरूर लिख देना, लेकिन मैंने जितने यूज किए हैं मेरे हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, अगर आप इनकी वेबसाइट पर चेक करेंगे तो लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट करते हैं अगर आप एप्पल म्यूजिक वगैरह यूज करते हो तो। ये काफी गजब की चीज मुझे लगेगी कि इतने चीप डिवाइस में आपको लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। सेकंड चीज जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है दैट इज इसका डिजाइन। अब इसका डिजाइन काफी बढ़िया है, ये पहले ईयरफोन्स थे जिन्होंने ये डिजाइन अपनाया था, इसके बाद ये एयरपोर्ट्स में भी गया था और ये डिजाइन काफी कंफर्टेबल है, आपके कानों में आसानी से फिट हो जाता है और ये बहुत जल्दी से गिरता भी नहीं, तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है इसके अंदर। इसका डिजाइन इतना कंफर्टेबल है कि अगर आप पूरे दिन भी इसे पहनोगे तो भी आप कहीं से भी ये महसूस नहीं करोगे कि ये आपके ईयर्स में पेन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी अच्छा डिजाइन है और मैं मानता हूं कि एप्पल ने इसमें तो कमाल ही किया था। ये लाइट वेट है, ज्यादा हैवी भी नहीं है और मेरे हिसाब से गजब है। थर्ड चीज जो इसके अंदर अच्छी है दैट इज इसकी माइक की क्वालिटी। अब माइक क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है, जिसमें से आप अच्छे से वीडियो कॉल्स लेना चाहो या फिर कॉन्फ्रेंस करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। वायरलेस ईयरफोन्स जो थोड़े कम बजट में आते हैं उनके साथ माइक को लेकर थोड़ा सा इशू मुझे रहता है, उनकी माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसकी माइक की क्वालिटी काफी बढ़िया है। इवन अगर आप वॉइस ओवर देना चाहो एक वीडियो के ऊपर तो भी आप अच्छे से दे सकते हो। लेक्सी इसके अंदर अच्छी है दैट इज इसके अंदर आपको कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कॉल उठा वगैरह सकते हो, गाना पोज वगैरह कर सकते हो, ये बेसिक फंक्शन देखने को मिलती है। और लास्ट मुझे जो इसके अंदर अच्छी चीज लगती है दैट इज कि इसमें आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वायर्ड हेडसेट है तो मुझे वो चार्जिंग की टेंशन से मैं दूर रहता हूं, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मुझे लगता है। बाकी जिनको आराम से चार्ज कर सकते हैं उनके लिए तो यार फिर वायरलेस ईयरफोन्स भी बेटर होंगे, उनको ये इतना बड़ा एडवांटेज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मेरे जैसा आदमी है जिसे कैमरा भी चार्ज करना पड़ता है, फोन भी चार्ज करना पड़ता है, सब चीजें चार्ज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भूल जाता हूं। अब इसकी कुछ कमियों की बात कर ले तो सबसे पहले तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच नहीं है, ओके क्वालिटी है, मतलब इतने सालों से यूज कर रहा हूं लाइटनिंग वाले या 3.5mm जैक वाले तो उनको नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको इसे थोड़ी केयर से रखना पड़ता है क्योंकि इसकी जो जॉइंट्स वगैरह है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इसे तोड़ लेते हैं, तो ये चीज इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ इसके अंदर ये दिक्कत है कि ये उलझ जाती है ये तार, जो कि सुलझाना थोड़ा सा पेन हो सकता है किसी किसी के लिए, वायरलेस ईयरफोन्स में ये पंगा तो नहीं पड़ता। तो यही जो दो मेजर ड्रॉबैक है मुझे इसके अंदर लगता है, इसके अलावा मुझे कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगता। अब जैसे इसके अंदर यूएसबी सी वाले ईयरफोन्स आ चुके हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि या ये एंड्रॉइड के साथ काम करते हैं, तो यस ये एंड्रॉइड के साथ काम करते हैं, सिर्फ उसमें कई बार मैंने कई फोन्स के अंदर देखा है कि ये जो इसका वॉल्यूम बढ़ाने घटाने वगैरह का ये जो बटन्स है ये काम नहीं करते, वरना ऑडियो आउटपुट उसमें भी लाजवाब आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ भी यूज कर सकते हो। और कुछ लोग उससे ज्यादातर कमेंट में ये भी पूछते हैं जो लाइटनिंग वाले हैं क्या किसी तरीके से वो यूएसबी सी वाले ईयरफोन्स में यूज हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा अडाप्टर है, तो देखो मैंने बहुत सर्च किया मुझे ऐसा कोई अडाप्टर नहीं मिला, अगर आप उनमें से आने को अडाप्टर मिल चुका है तो कमेंट में लिख देना, लेकिन मुझे वो नहीं मिला तो सॉरी, अगर आपके पास लाइटनिंग ईयरफोन्स पड़े हैं तो आप उसे एंड्रॉइड फोन के साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये था एप्पल ईयरपॉड्स के बारे में, तो अगर आपको ये पसंद आए, उन्हें खरीदने का मन कर गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना ताकि आपको बेस्ट मिल सके और मेरे चैनल पर प्रमोट हो सके। बाकी एप्पल के एक्सेसरीज से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं तो एक बार चेक कर लेना। आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हो, मैं समेंट मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पर डीएम करोगे तो फॉलो भी कर लेना। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसका कंटेंट देखना आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं एक अच्छी वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।